सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वापस से इंटेकी में। आज हम बॉक्स करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, तो इसकी प्राइसिंग आपको इंडिया में 95,000 रुपीज़ की मिलेगी, और इसमें आपको 12GB रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। बॉक्स के अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, और एक सिम ट्रे देखने को मिलती है, और एक चार्जर देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, टाइप सी पोर्ट, एंड वन ईयरफोन देखने को मिलता है जो कि सैमसंग के नहीं है, AKG ब्रांड के साथ आता है, और एक USB टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है मेरे हिसाब से। और आपका फ़ोन देखने को मिलता है, आपका मेन प्रोडक्ट। तो आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम डिज़ाइन बनाया है इस बार भी सैमसंग ने अपने फ़ोन को, और कैमरा में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर दे दिया, काफ़ी बड़ा दे दिया है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। बट ओवरऑल सैमसंग का डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पूरा कर्व्ड वो पूरा बॉडी का वो बनाया है। और फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो आपको नीचे एक हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता है, USB टाइप सी, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर, एक एस पेन, साइड में वॉल्यूम लॉकर्स बटन्स, और ऊपर की तरफ सिम ट्रे, अ माइक, एंड कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। एस पेन लेफ्ट की तरफ कर दिया गया है, जो एक यूज़ करने में आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा। इस बार का एस पेन सैमसंग कहता है कि बड़ा ही लेटेंसी है उसमें, लैग नहीं करेगा। और फ़ोन को बूट करते हैं, बूट करते ही आप फ़ोन में आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, तो आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फिज़िकल फिंगरप्रिंट सेंसर हटा दिया गया है इस मॉडल में, और आपको डिस्प्ले 120Hz की देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्मूथ है। आपका फ़ोन बूट हो चुका है, और बूट होते ही आपको वही टिपिकल सैमसंग का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरा खुद का नहीं है, ये द रिलैक्सिंग एंड का वीडियो है, जिसको मैं डबिंग करके आपको दिखाता हूँ हिंदी में। तो S20 अल्ट्रा, अब आ जाते हैं कुछ कैमरा फुटेज की तरफ। तो ये S20 अल्ट्रा से कुछ वीडियो सैंपल्स हैं, जो कि उसके रियर कैमरा से रिकॉर्ड किए गए हैं 4K में, तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन और कलर का जो ऑप्टिमाइजेशन है कैमरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको 20x जूम देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, तो आप कहीं से भी खड़े होकर कोई से पिक्चर शॉट, हाँ बट 20x जूम में आपको उतनी क्लियरिटी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये था ओवरऑल और रिव्यू और बॉक्स कंटेंट आपका सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।